तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सोमवार को शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार वालों से मिलने सूर्यपेट स्थित उनके घर पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ कई अन्य मंत्री भी शहीद के घर पहुंचे और उनके तस्वीर पर फूल चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में सभी लोगों ने लद्दाख में चीनी सेना के साथ खूनी झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी माता, पिता और बहन श्रुति को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शहीद कर्नल के बच्चों अभिज्ञा अनिरुद्ध तेजा से बात की। सीएम ने कर्नल संतोष बाबू को देश की सुरक्षा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन बलिदान करने के लिए सलाम किया। सीएम ने कहा कि संतोष बाबू के जाने से वो बहुत दुखी है। उन्होंने परिवार वालों को आश्वासन देते हुए कहा कि वो हर समय कर्नल संतोष बाबू के परिजनों के साथ खड़े हैं। उन्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत महसूस हो तो वो सीधे उसके संपर्क कर सकते हैं। सीएम ने वहां मौजूद मंत्री जगदीश रेड्डी से परिवार की देखभाल करने का आग्रह किया। इस मौके पर सीएम ने अपने हाथों से शहीद संतोष बाबू की पत्नी संतोषी को ग्रुप वन अफसर दर्जे की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही हैदराबाद के मंजारा हिल्स में 711 गज की जमीन के दस्तावेज भी संतोषी को सौंपे गए। सीएम ने संतोषी को 4 करोड़ रुपए और कर्नल संतोष के माता पिता को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। तेलंगाना के सूर्यपेट जिले के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट में थे और चीनी सीमा पर पिछले 1.5 साल से तैनात थे। 15 जून की रात 19 जवानों के साथ लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ लोहा लेते हुए कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। लाइव इंडिया तक रिपोर्ट।